हेलो दोस्तों, सिलाई क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? जी हाँ, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने कोने वाली लेस ली है जो मैं आपको चाकू पर लगाकर बता रही हूँ। तो इसे देखिए, ये मैंने कोने की साइड जो है वो अपने लेफ्ट साइड पर रखी है और 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगानी शुरू कर दी है। ये देखिए, ये 1.5 इंच का हमने साइडों में मार्जिन छोड़ा है। और ये जो हमारी ये रेडीमेड लेस ली है मैंने, और ये आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पर चल रही है, तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में लग रही है। ये स्लीव्स पे लग रही है, चाको पर लग रही है, गले पर लग रही है, फ्रंट पर लग रही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं इसे। मैंने तो इसका यूज़ चाक पर किया है और वो भी इनविजिबल तरीके से। इसी तरह अब हम कपड़े की दूसरी साइड लेंगे, कमीज़ की मतलब, और ये वाली साइड हम ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड से कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैं इसलिए इसको पलट के लगा रही हूँ। मैं सीधी साइड पर रखकर कपड़ा सिलाई नहीं कर पाती। और आप अगर सीधी साइड पे भी रखकर कर सकते हैं तो आप नीचे से ही लगाना शुरू करते तो वो ईजीली लग जाती। ये देखिए, हम इसको सी रहे हैं और ये जो कोने हैं दोनों हमारे आमने सामने आ गए हैं। देखिए, इधर से भी मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है। और इसको बहुत फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी की ये जो हमारी लेस है, यहाँ सिलाई पूरी होने के बाद इसको कट कर लेंगे। ये देखिए देखिए दोस्तों, दोनों साइडों में मेरी ये जो लेस है वो मैंने लगा ली है, कितनी फिनिशिंग के साथ लगाई है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक फोल्ड करेंगे कपड़े का और फिर बेल के ऊपर हम ऐसे एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह करेंगे, इस मेथड से जो हमारी बेल निकल कर आएगी, मतलब जो इसके कोने नज़र आएंगे हमें, खाली इसका अंदर का कुछ नज़र नहीं आएगा, और ये हमारी जो बेल है इनविजिबल कहलाएगी। इसको लगाने का ये फ़ायदा होता है दोस्तों कि इसमें सिलाइयाँ नहीं नज़र आती, और ये अंदर की साइड से भी फिनिशिंग से नज़र आता है और फ्रंट की साइड से भी फिनिशिंग से नज़र आता है। ये देखिए, आप ये देखिए कि कितना अच्छा लग रहा है ये सफाई से, मतलब अगर हम चाहें तो इसे टॉप पर भी रख सकते हैं इसी तरह। और दोस्तों, लगाकर इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकली इसको बनाकर देखिए, और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपसे इस तरह लग गई बेल या पाइपिंग या नहीं लगी। ये देखिए, जहाँ तक ये दूसरी वाली साइड है, इसको यहाँ हम ऐसे ही लेकर आएंगे पीछे से और इसे यहाँ कपड़े को उतार लेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको कि हमारी किस तरह से हमने फिनिशिंग कर ली है। ये दूसरी साइड पकड़ी है मैंने, और इसी तरह जिस तरह मैंने अभी एक साइड लगाई है, इसी तरह कपड़े को फोल्ड करके हम ऊपर से भी इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, इसी तरह एक फोल्ड करेंगे, फिर जितना चौड़ा हमने चाक रखना है उतना मार्जिन रख के हम इस पर सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। आसान है दोस्तों बहुत, बस शर्त यह है कि इसको आपको 2-3 बार प्रैक्टिकली करना पड़ेगा और फिर ये आपसे बहुत इजीली लग जाएगी, फिर आप इसे मेरे से भी अच्छा लगाएंगी। और अच्छा लगाएं तो मुझे भूलिएगा नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पिक भी भेजिएगा कि ये हमने आपसे अच्छी लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ये करीब करीब हमारी बेल लग चुकी है, यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पीछे की साइड है हमारी, ये कितनी फिनिशिंग से हमारी बेल लग चुकी है।
आप चाहें तो इसे ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा रखेंगे नहीं क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। देखिए ये हमारी फ्रंट की साइड कितनी खूबसूरत आई है, ये पीछे की साइड है, ये फ्रंट की साइड है। अब हम इसको ऐसे करके, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अब हम इसे ऐसे पीछे की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ एक लब की सिलाई लगानी शुरू करेंगे। देखिए लब की सिलाई बहुत सफाई से लगानी है दोस्तों, क्योंकि ये हमारी बिल्कुल ऊपर आएगी तो ये सफाई से लगनी चाहिए। वैसे तो ऊपर हो या मतलब पीछे की साइड हो या आगे की साइड हो, अगर आप काम सफाई से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी कि कहीं से भी देखा जाए आपको फिनिशिंग ही नज़र आएगी। तो मेरे हिसाब से तो आप फिनिशिंग से काम करा करिए। ये मत सोचिए कि ये फ्रंट की साइड है तो यहाँ सफाई दिखाएं, बैक साइड है तो वहाँ सफाई ना दिखाएं। ये देखिए यहाँ हम सुन को अटकाएंगे और इसको ऐसे ही घुमा लेंगे कमीज़ को, और यहाँ से फिर दोबारा नीचे की साइड लगानी शुरू करेंगे सिलाई। लब की सिलाई है हमारी, ये बहुत सफाई से लगाना है इसे आप। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं, और अगर कोई और वीडियो बनवानी है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं आप बनवाने के लिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। ये देखिए ये हमारी कितनी सफाई से हमारी तिकोने वाली बेल लग चुकी है। अब हम इसको फिर पलट लेंगे पीछे की साइड से, हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जो आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिलाई करी है, यह आप अपनी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर चाहें तो तुरपाई भी कर सकती हैं, लेकिन आजकल सिलाई चल रही है तो तुरपाई में टाइम भी लगता है। ये देखिए कितनी सफाई से हमारी सिलाई लग चुकी है, इसे बिल्कुल एक सार लेकर आना है। ये देखिए और ये जहाँ पर हमारा चाक कंप्लीट होता है वहाँ हम इसे मशीन को रोकेंगे, कमीज़ को घुमाएंगे और थोड़ा सा इस चाक को पक्का करेंगे, फिर दोस्तों वापस कमीज़ को घुमाएंगे और नीचे की साइड जो है उसे सिलाई को लेकर आएंगे। ये देखिए ये बहुत फिनिशिंग के साथ आएगी हमारी लेस निकल के, और ये दोस्तों इनविजिबल हो गई है, जो हमें बाहर से नज़र नहीं आएगी, ये कपड़े के बीच में लग चुकी है। देखिए ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ, कोना भी बन चुका है, धागे को आप काट देंगे एक्स्ट्रा के। ये देखिए आप ज़रूर बना के देखिएगा इसको, देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, और कितनी सफाई से आई है। देखिए मैं आगे पीछे दोनों साइड से दिखा रही हूँ आपको, देखिए और अच्छा भी बहुत लग रहा है ये। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मुझे बहुत सारे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, तो इस प्यार को आगे भी बनाए रखिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियोज़ लेकर आती रहूँ। और आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें काम करने का मोटिवेशन मिलता है, तो इसमें आप अपने प्लीज़ कमी मत आने दीजिएगा। और आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।